वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है दिन बुधवार का और सुबह का टाइम है, करीबन 8:30 हो गए हैं। और रात को भी मैं बहुत ज़्यादा लेट हुई थी, मतलब मॉर्निंग ही हुई थी, 4:30 हो गए थे तब मैं सोई और जल्दी उठ गई। उसका रीज़न ये है क्योंकि एक तो मोहित आने वाला है, मोहित आ जाएगा तो फिर उसके बाद मैं जाऊँगी आज मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। बिकॉज एक गुड न्यूज़ है, मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही है कल, तो मुझे लगा कि थोड़ी बहुत उनके लिए मैं शॉपिंग कराती हूँ। एंड अगर कुछ पसंद आया तो कुछ अपने लिए भी कराऊंगी। और यू नो मतलब कुछ ना कुछ घर का सामान तो ख़त्म रहता ही है, तो कुछ ना कुछ वो भी ले आऊँगी। तो कई सारे काम हैं और यस, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। और अभी बस शायद थोड़ी बहुत देर में मोहित आ जाएगा, उसके बाद खाना वाना खा के, अभी मेरे को पता नहीं कि हम लोग दिन में जाएंगे या फिर शाम को जाएंगे, बिकॉज दिन में इतनी ज़्यादा धूप होती है, तो अभी पता नहीं कि दिन में निकला जाएगा। उसके थोड़ी देर बाद तक तो मैंने किया, मोहित का वेट आएगा, मैंने उसको कॉल किया, वो तो सोने ही लग रहा था। तो मैंने सोचा मम्मी ने आलू के परांठे बना के भेजे हैं जो कि हमारे फेवरेट है, मेरे भी, अम्मी जी के भी, तो मैंने सोचा वो तो लेट हो जाएगा, फिर वो तो लंच टाइम तक आएंगे। और मैं बनाने लगी हूँ इधर चिल्ला, मैंने सोचा तब तक हम दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और टाइम करीबन हो गया, मेरे ख्याल से 9:30 के करीब हो गया। अमित जी गए हैं नहाने और फिर उसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट जब हम नहा के आ जाए। शायद मोहित आ गया, मैं अंदर रूम में थी, लियो भूख रहा, कौन आ गया, कोई आया है? अच्छा कौन आ गया, शायद मोहित है, नॉट श्योर, लेट्स सी। मटका काट लेगा? बस इनका मामा बेटो का हो गया प्यार पूरा। अब जो सामान लेकर आया दूध की वो निकाला है, थोड़ी देर रेस्ट करेगा और उसके बाद जाऊंगे मार्केट में। ये देख लो, इस दूध की 2-3 बोतल दूध की, 2-3 लस्सी की, परांठे, सारी चीज भेज रखे मम्मी ने। और मैं ना ली, बाकी रेडी होगा जी को नहीं, क्योंकि मार्केट में जाना है, गर्मी में तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही जाना है। ओनली सनस्क्रीन मैंने लगा ली है। तो गाइस ये देखो, मम्मी मेले में गई थी, मेरे लिए भी क्या क्या लेके आई है। एक तो ये कीरिंग लेके आई है और निधि ने अपनी तरफ से ये इयररिंग्स लिए मेरे लिए। और मम्मी ने वो पहले मेले में नहीं जाया करते, ये वाली रिंग ली है, एक ये चैन ली है और बोली पहननी है, धमकी दे के बोली मन्ना पसंद करी है, माँ ठीक है मैं पहनूंगी। हालांकि मैंने कभी ऐसी चीजें पहनी नहीं। और ये दिल वाली लेके आया है मोहित, न्यू बोला मम्मी तेन कह दिए अगर तेरे लिए लेके आयो, बोला मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेके आया हूँ। ये देखो लव लिख रखा है इसमें बीच में, ये भी मैं ही लेके आया। और ये मन्ने पेठे की बहुत ज्यादा पसंद है, तो मम्मी ने पेठे की स्पेशल मंगवा, एक मिनट रुक जाओ, मम्मी ने स्पेशल पेठे की मंगवा रखी। चलो तू ही बोल ले, मैं ना बोलती, बोल बोल बोल। ये नूनी घी और इसमें परांठे, ये और ये दिया है मम्मी ने, ये जैसे जोत लगाती हूँ ना मैं नीचे बैठती हूँ, तो ये लेके आई मेले में से कि इसको बिछा के फिर जोत लगाऊ। हाय मेरी मम्मी का प्यार। तो जी हो गई हूँ रेडी और लियो को फीलिंग आ गई है कि इसको हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। अमित जी भी जाएंगे, मोहित भी जाएगा, मैं भी जाऊंगी, ये दोनों भी निकल रहे हैं। मैं इसको खाना दे के और फिर निकलूंगी, क्योंकि ये वैसे निकलने नहीं देगा। दिन के बज गए 2:30, अभी लियो को छोड़ के हम तीनों ही निकल गए हैं, क्योंकि तीनों को ही शॉपिंग करनी है, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी, इनको करनी है, इसको करनी है, और मुझे तो क्या बोलते हैं वो करना है, पूनम के लिए लेने हैं, टिया के लिए लेना है और विजय जी के लिए लेना है, इन दोनों को अपने लिए लेना है। तो जल्दी से कोशिश करेंगे, जल्दी से जाके जल्दी आ जाए, बट ऐसा कभी हुआ नहीं, बट आज ट्राई करेंगे। तो गाइस इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, एसी चल रही है, उसके बावजूद आप देख सकते हो पसीने छूटने लग रहे हैं, कहते तीन हो गए, इतनी जबरदस्त गर्मी हो रही है। तुम्हें ही लग रही है। मुझे ना लग रही कभी भी। और चिपको सोच रहे हैं लेने की, पर वो होता ना कि जब जिस चीज को ढूंढते हैं वो नहीं मिलती, इतनी देर से हम चिपको ढूंढ रहे हैं, मिल जाए मिल चिपको लेने। का क्या करेगी स्वामी, थे बाहर का भी तो देखना है यार फिर।
अरे बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, गर्मी में कोई मत निकलो। हम क्यों निकले हैं, क्योंकि शाम को मेरी ननंद आ जाएगी, तो इस करके हमें जो है अभी निकलना पड़ा, क्योंकि फिर हमें टाइम नहीं मिलता। गाइस आ जाते टाइम ना गाड़ी में ना, हमने एक चैलेंज रखा था, एसी को कितनी देर बंद रख सकते हैं, और इस बार मेरे को क्यों चक्कर आए, फोन देगी पसीना देखो फेस पे। माँ कसम इतनी ज्यादा गर्मी है, कभी भी उड़ता हुआ तीर नहीं लेंगे, ऐसा चैलेंज आप कभी मत करना। आई स्वेयर बहुत गंदा था, मतलब ऐसा हो रहा है कपड़ों में उचाटी सी मच गई पूरी बिल्कुल। अब जा रहे हैं हम लोग अंदर, ये उचाटी क्या होती है? उचाटी है मतलब, मेरे से पूछो कोई दिल से। अब हम जा रहे हैं किसी शोरूम में अंदर कपड़े देखने। मैंने जब शुरू ही नहीं करा जींस, पहले एक शोरूम पे गए वहाँ पे समझ में नहीं आया, अभी दूसरे वाले में आए हैं, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो अभी हमने यहाँ से लिए हैं 9 जोड़ी, यानी कि मतलब दिखाऊंगी मैं जाके, अमित जी के लिए भी, मोहित जी के लिए भी और विजय जी के लिए भी ले लिया। साइज़ का मुझे नहीं पता, बट इनसे कंफर्म कर लिया कि चेंज कर देंगे बाद में, क्योंकि उनका साइज़ कभी आता मतलब नहीं मिलता है। हम यहाँ पर आए हैं, कहाँ से क्या है एक ही कलर है भाई। अब आ गए हैं अभी दूसरे वाले में, जो सेकंड वाले पे थर्ड वाले पे गए वहाँ समझ नहीं आया, अब आए हैं इस वाले पे, यहाँ पे देखते हैं समझ आता है। तो ये दोनों के ड्रामे बहुत है, दोनों को ही समझ नहीं आ रहे हैं, और आज मेरा कुछ नहीं। ये कलर बहुत अच्छा लगा, पिंक मेरा फेवरेट कलर है। कमेंट करके बताना ये वाला कलर कैसा लग रहा है। ये कपड़े पहनते पहनते थक चुके आदमी। अब ट्राई कलर कर रहे हैं, ये पर्पल कपड़े निकाल के पहन। इन दोनों को ना आ रहा कुछ समझ में, ये बस इतना लिया इन्होंने, अब गए इसके बाद 3 पजा लिए, किससे में कुछ समझ में नहीं आया। अब निकले कहीं और देखते हैं, यहाँ तक निकल लिए और अब जा रहे हैं हम लोग सदर, पूनम के लिए कोई सूट देखने है मेरे को, मतलब जितना भी पसंद आएगा, चाहे एक ही आ जाए बट आ जाए, और क्योंकि लियो भी अकेला है, वो भी अकेला परेशान हो रहा होगा, पता नहीं क्या, जाके देखेंगे। इतना लंबा अभी तक छोड़ा नहीं है, 1.5 घंटा होगा हमने निकले हुए, तो बस अभी सदर से सिर्फ उसके लिए लेना है, बाकी तो इनकी तो हो गई, ये तो फ्री हो गए, और उसके बाद सीधा जाएंगे घर पे। देखो नगर निगम वाले हैं, रेडी वालों का क्या हाल होगा, एकदम से बात करो, ये रहे ये लेके जाएंगे अब सामान उठा उठा के। मेरी माँ, मम्मी आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं भूख लग जाए तो बोल दो, दूध दूध और घी खा लो बस। और सदर की मार्केट में पहुंच गए हैं, देखो जैसे ही वो गाड़ी निकले ना पूरा रोड खाली हो गया। देखो फिर नगर निगम वाले आ गए दोबारा से, कितना टाइम और लगेगा लियो को, निकलने छोड़ के आए हैं, जल्दी कर लो। और आज भाई नगर निगम वाले आए तो देखो सदर खाली है बिल्कुल ही, तो भाई भी खा रहे हैं गोल गप्पे, और स्वामी जी ने बनवाया बर्गर, और जीजू ने बर्गर, मैं गोल गप्पे खाऊंगा। बनवा लिए भाई गोल बर्गर, जीजू ने बनवाया गन्ने का जूस, उधर गाड़ी खड़ी है हमारी, और वो मैडम आइसक्रीम खा रही है। लो जी जूस आ गया, जो कोई वाला है शी वाला उसको आगे कर ले सीट ना पी के थोड़ा। ये सेक्टर 4 की बत्ती पे लगा हुआ ट्रैफिक, अगर लेके आए थे और भाई साहब यही निपटा गए, देखो घर तो खराब हो जाएगा, यो जोटा है पूरा जोटा, देख लो ये दृष्टि कैसे हो गई है। दो ये तो लिया, 5 किलो प्याज, ये 2 किलो तरबूज, 4 किलो खरबूजा, काटना है क्या दिखाओ, काट के दिखाओ, ला ले नहीं, और खरबूजा ले रहे हैं, टिया के लिए सारे फ्रूट्स ले रहे हैं हम लोग,
और अभी देने गया मोहित मेरा सूट। काफी टाइम से एक सूट कोलैबोरेशन के लिए आया हुआ था, मतलब दो आए हुए हैं, एक तो ससुराल में दे रखा है सिलने के लिए और एक यहाँ पे। बेचारे कोलैबोरेशन वाले भी सोचते हैं सूट भेज तो देते हैं, पता नहीं है मैडम पहनती नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई स्टिचिंग वाला नहीं है आसपास में, इसलिए मेरे को टाइम लगता है। चल नीचे चल नीचे चल नीचे आज नीचे आज नीचे आज बस 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 मेरा बेटा बस मेरा बेटा बस मेरा बेटा। हाँ, हम लोग पहुंच गए थे। सबसे पहले आते ही लियो को संभाला, उसके बाद दो चार काम थे वो करे और अभी बज गए 6:30, ये भी मेरे ख्याल से 6:30 हो गए हैं। और पूनम का मैसेज आया कि वो लोग जो है 7:30 तक पहुंच जाएंगे और वो लोग आ रहे हैं ट्रेन से, तो हम लोग इसको लेने जाएंगे, कितना मजा आएगा ना। तो मेरे ख्याल से इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, हम आपसे मिलेंगे नए व्लॉग में अपने दामाद जी और अपनी ननंद के साथ और अपने बेटे टिया के साथ। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। कैसा रहा इंतजार? कैसा रहा? दो पुलिस आ जाते हैं। 1.5 घंटे स्ट्रीम कर दी। 1.5 घंटे।